सर दोस्तों, ये वीडियो जो एशारे से संबंधित है, जिसको एशारे बोलते हैं, एशारे का अर्थ मतलब विनिर्दिष्ट, एशारे बोलते हैं, एशारे विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम स्पेशल रिलीफ एक्ट बोलते हैं जिसको। तो ये स्पेशल जो है रिलीफ एक्ट के बारे में, 1963 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो बात है कि 1963 में स्पेशल रिलीफ एक्ट को जो बनाकर तैयार किया गया, 1963 में जो है सेक्शन, वो जो एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर जो 47 था, एक्ट नंबर और साल था 1963, तो बन के तैयार हुआ 13 दिसंबर 1963 को। और ये कहता है कि कतिपय प्रकारों के विनिर्दिष्ट अंतोष से संबंधित विधि को परिभाषित करेगा और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में, तो जब 1963 आया, तो 1947 से जो है 14वां वर्ष था, ये कह रहे हैं कि 14वें वर्ष से में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह नियमित किया गया एशारे। तो भाग एक में कहता है क्या है प्रारंभ किया, तो उसमें धीरे धीरे हम इसकी सारी चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये कब आया, 1963 में आया। उसके बाद 1963 में आके इसका जो नंबर कितना था, ये 47 था, 47 एक्ट नंबर था। उसके बाद ये बन के तैयार हुआ। तो देखते हैं 14वें वर्ष में आया और ये 13 दिसंबर 1963 को आया, इन्फोर्सेबल हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सेक्शन जो वन कहता है कि वो संक्षिप्त नाम के बारे में बात करता है। सेक्शन वन है जो एसआरए का, वो संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम, उसके बाद विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। तो यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे है। तो इसका विस्तार कहाँ पे है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे है, ये वाली बात है इसमें लिखी हुई है। तो जम्मू कश्मीर तब था जब 2019 में उसको एक क्या नहीं बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना दिया गया, तब तक तो यह बात थी। अब सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू हुआ, तो ये भी एक्ट लागू हुआ जम्मू कश्मीर पे। तो अभी वर्तमान में ये जो दिख रहा है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे, हाँ ये संपूर्ण भारत पे है, अब जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। तो ये एक बात। दूसरी बात है, पहले का तीन, सेक्शन वन का तीन कहता है, सेक्शन वन का तीन उस तारीख से प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें। तो ये तब से चालू होगा जब केंद्रीय सरकार क्या करेगी कि अधिसूचना द्वारा प्रवर्त करेगी और बताएगी गजट में, तो तब से ये लागू हो जाएगा। सेक्शन दो में परिभाषाएं दी गई हैं। सेक्शन दो बात करता है, सेक्शन वन में तो क्या है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, प्रारंभ है। कब से प्रारंभ होगा, विस्तार कहाँ तक है और इसका नाम क्या है। तो नाम है अधिनियम विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत का। और प्रारंभ कब से होगा, यह तब से प्रारंभ होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। ये बात इतनी कर गई है, आगे चलते हैं। तो दूसरे नंबर में परिभाषा है। अब इसमें लिखा है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, बाध्यता ना हो, तब तक वही बात रखी जाएगी जो इस अधिनियम में दी गई है। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, कोई बात अन्यथा नहीं हो, तब तक अन्यथा की ना की स्थिति में वही बात रखी जाएंगे जो सेक्शन में है, जो इस अधिनियम में। तो सेक्शन दो का क्या कहता है, दो का कहता है कि बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा परिवर्तनीय हर कर्तव्य आता है। तो बाध्यता के अंतर्गत क्या आता है, बाध्यता क्या है, तो ये कहता है कि बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर कर्तव्य आता है। तो बाध्यता के अंतर्गत क्या आता है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर कर्तव्य आता है, सेक्शन टू का कहता है। उसके बाद व्यवस्थापन से चलते हैं, सेक्शन टू का हमें क्या कहता है एसआरए का। तो एसआरए में स्पेशल रिलीफ एक्ट बोलते हैं इसको। अंतोष का मतलब रिलीफ और विनिर्दिष्ट का मतलब स्पेसिफिक कहते हैं। तो स्पेसिफिक का रिलीफ एक्ट होता है अंतोष अधिनियम 1963।
तो व्यवस्थापन से क्या संबंध है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39वें नंबर द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा जो है वो करोड़पत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेरित है जिसके द्वारा जंगम स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यायागमन को व्यनित किया जाता है और उसका व्यनित किया जाना कारित होता है। तो ये व्यवस्थापन से संबंधित है कि व्यवस्थापन से क्या अर्थ लगाया जाएगा, ये बात इसमें हो रही है। तो व्यवस्थापन से संबंधित अर्थ के बारे में ये बात है। उसके बाद न्यायिक की परिभाषा दी है कि न्यायिक की परिभाषा क्या होगी इसमें। तो न्यायिक का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में धारा 3 में है और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यायिक प्रकृति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। तो भारतीय न्यास अधिनियम जो है वो 1882 वो न्यास की परिभाषा इसमें दी गई है और ये कह रहा है कि वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में भारतीय न्यास अधिनियम में बोला गया है। उसके बाद दोगा में आते हैं। दोगा कहता है कि न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण करते हुए है। तो न्यासी की परिभाषा भी वैसी ही है जैसे कि न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण किए हुए है। आगे बात कह रहा है दो अंगा की बात कह रहा है कि ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो एतस्मिन प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित हैं वे वही अर्थ के होंगे जो अधिनियमों ने क्रम से समनिर्दिष्ट किया गया है। तो ये बात कह रहे हैं ऐसे कोई शब्द और रह गए हैं जो कहीं परिभाषित नहीं है एतस्मिन प्रयुक्त हैं, प्रयुक्त तो हैं किंतु परिभाषित नहीं है और भारतीय संविधान अधिनियम में परिभाषित हैं, तो वो वही अर्थ लेंगे जो भारतीय संविधान अधिनियम में लगाए गए हैं भले ही इसमें इस एक्ट में ना हो। तो इसमें मैंने चर्चा करी है आर्टिकल वो सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की और सेक्शन 3 की नहीं करी है, 2 की करी है। तो सेक्शन 3 की हमने नहीं करी है, 3 पे अभी आएंगे, 3 के बारे में हमने कुछ बात नहीं करी है। तो सेक्शन 1 और 2 की बात करी है। 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम और विस्तार है, और 2 में परिभाषाएं हैं जैसे बाध्यता की परिभाषा, व्यवस्थापन की परिभाषा और न्यास की परिभाषा। ऐसी परिभाषाओं के बारे में इसमें बताया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और सेक्शन 3 की परिभाषा करते हैं और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, GLU की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जहाँ PCSJ जहाँ लॉ आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप UPSC UPPCS और GS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल की वीडियो को आप सब शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और बता सकते हैं कि जिससे उनकी जो है तैयारी और अच्छी हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, तब तक।